छात्रावास है उसको बनाया जाए। मैं बहुत दूर से आती हूँ, मुझे आने में तो बोलते हैं कि रेगुलर क्लास करनी है, 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, और मैं बहुत दूर से आती हूँ, मुझे आने में 6 घंटे लग जाते हैं। मैं अदर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, अगर मुझे आने में प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी, तो मैं कॉलेज अटेंड नहीं कर पाऊंगी। अगर अटेंड नहीं कर पाऊंगी तो मेरे नाम रद्द कर दिए जाए। पहले एमयू में मारवाड़ी महाविद्यालय के छात्रों ने कुलपति के द्वार पर किया जमकर विरोध प्रदर्शन। दरभंगा जिले के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मारवाड़ी महाविद्यालय के डेवलपमेंट के लिए जैन अधिकारी छात्र परिषद ने कुलपति गेट के पास आक्रोश मार्च निकालकर भारी आक्रोश जताया। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी परिसर में जैन अधिकार छात्र परिषद के द्वारा निकाले गए आक्रोश मार्च का मुख्य उद्देश्य था कि मारवाड़ी महाविद्यालय का डेवलपमेंट का कार्य नहीं किया जाता है, जिसके कारण महाविद्यालय का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। इसी के विरोध में आज कॉलेज के सभी छात्र कुलपति चैम्बर के मुख्य द्वार पर बैठकर आक्रोश व्यक्त किया। हालांकि मौके पर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने पहुंचकर छात्रों को खूब समझा बुझा कर हो रही कठिनाइयों को लेकर जल्द ही निवारण किया जाएगा इस बात का आश्वासन दिया। और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं यहां आई हुई हैं और पोस्टर में है मारवाड़ी महाविद्यालय। पूरा क्या मामला है, क्या आप लोग का डिमांड है? छात्रावास है उसको बनाया जाए। मैं बहुत दूर से आती हूँ, मुझे आने में तो बोलते हैं कि रेगुलर क्लास करनी है, 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, और मैं बहुत दूर से आती हूँ, मुझे आने में 6 घंटे लग जाते हैं। मैं अदर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, अगर मुझे आने में प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी, तो मैं कॉलेज अटेंड नहीं कर पाऊंगी। अगर अटेंड नहीं कर पाऊंगी तो मेरे नाम रद्द कर दिए जाएंगे। तो इससे मेरा यही कहना है कि वहाँ के जो छात्रावास है उसको कंप्लीट किया जाए 6 मंथ के अंदर ही अंदर। मैं यही कहना, वहाँ छात्रावास है, महिला छात्रावास है, छात्रावास बने भी है, बस पूरी तरह से कंप्लीट। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आए हैं, अभी बच्चे कॉलेज आने लगेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो ये पूरे समूह का दायित्व तो बनता है, कॉलेज के प्रिंसिपल का, विश्वविद्यालय का, सरकार का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप। ये वन डे प्रोसेस नहीं है, ये सतत इसमें हम लोग लगेंगे तो ओवरकम करेंगे, अभी ग्रुपिंग करके हम लोग बढ़ाएंगे, क्या दिक्कत है? तो सर मारवाड़ी महाविद्यालय तो बहुत पुराना है और सूत्रों की माने तो वहाँ महिला छात्रावास का निर्माण होने की बात भी आई थी। एक मिनट, पुराने जमाने की आप बात कर, जिस समय वो बना जिस समय में एक सेक्शन में 10-20 विद्यार्थी होते थे, बाद में 40 हुए, आज बच्चे एक सेक्शन में 100-100 से ऊपर हैं, उसका एकोमोडेशन उस इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं हो सकता है। तो अभी चाहिए था कि सेक्शन वाइज बांट लेते, बच्चों को आराम से पढ़ा सकते। नहीं सर, यहाँ महिला छात्रावास की मैं बात करता हूँ। छात्रावास ये जो भी कोई, एक मिनट, छात्रावास की बात है तो जब तक न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा। नफीसा हज एंड उमराह ट्रेवल, हज उमराह ज्यारत, 16 अक्टूबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस, 10 नवंबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस, 20 दिसंबर 2023 अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस, 15 जनवरी 2024 अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। पैकेज इंक्लूजन एयर टिकट, उमरा वीजा, होटल, इंश्योरेंस, फूड, राउंड ट्रिप, ट्रांसपोर्टेशन बाय बस, जियारत, जमजम लॉन्ड्री, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, पासपोर्ट, दो पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड। इस बार हज उमरा का प्रोग्राम यह है, 2 सितंबर को पहला ग्रुप जा रहा लगा 15 दिन के लिए, 16 सितंबर को वापसी होगी, 95,000 के पैकेज है और सारी सहूलत है इसमें, खाने से लेके लॉन्ड्री, इंश्योरेंस, ज्यारत, मक्के की, मदीने की, सब इंक्लूड है इसके अंदर। कहाँ कहाँ से लोग इसमें आते हैं जिनको? पूरे बिहार से हमारे पास है, किशनगंज, अररिया, कटिहार, सीतामढ़ी, पूर्णिया, सब जगह के लोग आते हैं दरभंगा के लिए। कितने वर्षों से आप कर रहे हैं ये? 15 साल हमारा हुआ, ऐसे तो हमारा 30 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल से ग्रुप लेके जाते हैं, साल में 5-6 ग्रुप जाता है हमारा, और साथ में हम खुद जाते हैं, सारा मेंटेनेंस रेजिमेंट हम खुद करते हैं, इसमें किसी को इन्वॉल्व।